हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूट्यूब के उन 5 टिप्स के बारे में जिससे आपके चैनल की ग्रोथ कोई भी रोक नहीं पाएगा। मैं गारंटी से कह रहा हूँ दोस्तों, आपकी वीडियो वायरल भी होगी और आपका चैनल ग्रो भी करेगा। तो दोस्तों, क्या है वो 5 टिप्स, चलिए बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने प्रमोशन की बात कही थी, तो मेरे पास कमेंट में कई सारी ऐसी लिंक आई थी यूट्यूब चैनल्स की, जिसपे जाके मैंने देखा तो मुझे पता चला कि उनमें उन चैनल्स पे बहुत सारी कमियां हैं। तो उनको साथ में रख के मैं उन 5 टिप्स को बताऊंगा जिससे आपका चैनल डेफिनेटली ग्रो करेगा ही। तो गाइस, पहली टिप है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी कैटेगरी क्या है। मैंने कई सारी वीडियोस ऐसी देखी, कई सारे चैनल्स देखी, जिसमें मुझे पता चला कि मतलब उन लोगों ने अभी तक अपनी कैटेगरी ही डिसाइड नहीं की। कभी वो पॉलिटिक्स के बारे में बताते हैं, तो कभी क्रिकेट के बारे में बताते हैं, और कभी बताते हैं वो बॉलीवुड के बारे में, और कभी ब्लॉग्स वगैरह बना के दिखाते हैं चलती फिरती वीडियोस को। तो गाइस, आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा आप यूट्यूब पे करना क्या चाहते हैं, उसके बाद ही आपका जो चैनल है वो ग्रो करेगा, आपकी वीडियो भी वायरल होंगी। और जो भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं तभी वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जब उनके लिए आपका चैनल यूजफुल होगा और कंटेंट आपका अच्छा लगेगा उन्हें। तो दोस्तों, कुछ ऐसा कीजिए, एक पर्टिकुलर कैटेगरी को चूज कर लीजिए, उसके बेसिस पे आप वीडियोस को बनाइए। तो दोस्तों, पहला पॉइंट ये। दूसरा क्या है, थंबनेल। दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने थंबनेल के बारे में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस देते ही नहीं हो, और उसके बारे में ना ज्यादा सोचते हो ना अच्छे से उसे बनाते हो। दोस्तों, थंबनेल 95% लोग की, अगर मैं आपको बात बताऊं, जो यूट्यूब चैनल पर आपके जाके वीडियोस को देखते हैं वो आपके थंबनेल को ही देखते हैं। आपका थंबनेल अगर अच्छा है, अट्रैक्टिव है, और जो चीज आप वीडियो के अंदर बताना चाहते हो वो अट्रैक्टिव तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपने थंबनेल में दिखा रखा है, तभी लोग आपकी वीडियो पे क्लिक करेंगे। और मैं गारंटी से कह रहा हूं, कम से कम 25% आपकी वीडियो देखेंगे ही देखेंगे, अगर मैं बात करूं, अगर आपका थंबनेल बहुत ज्यादा अच्छा है तो। तो दोस्तों, उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है टाइटल। दोस्तों, टाइटल के लिए YouTube आपको देता है 100 वर्ड्स, जिसमें आप मुश्किल से 20 या 30 वर्ड का यूज करते हैं, और उसके बाद आप ना तो अपना नाम लिखते हैं पीछे चैनल का नाम, ना तो आप अच्छे तरीके से उसका टाइटल लिख पाते हैं। तो दोस्तों, ध्यान दिया करो, ये छोटी छोटी चीजें हैं, बड़े जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो इन चीजों को नहीं बताएंगे, हम लोगों ने ये चीजें फेस करी है, तो मैं आपको इस चीज के बारे में बता रहा हूं। आप टाइटल का बेहद ध्यान रखो, कम से कम 80 वर्ड का टाइटल बनाओ ही बनाओ, 80 वर्ड का टाइटल बनाओगे तभी आपकी वीडियो और ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, और जो आप वीडियो के अंदर बताना चाहते हो वो टाइटल पे आप अच्छे से लिख के बता दोगे। उसके बाद दोस्तों आता है डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, मैंने देखा है डिस्क्रिप्शन भी, जितने भी नए जो यूट्यूबर्स हैं उनके डिस्क्रिप्शन हमेशा खाली ही रहता है, वो ज्यादा चीज डिस्क्रिप्शन में लिखते नहीं है, ना ही कोई लिंक लिखते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन का मतलब है डिस्क्राइब करना कि आपकी वीडियो के अंदर क्या है, तो वो चीज आपको डिस्क्राइब करनी ही होगी। तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए, सपोज करो कि हे गाइस, मैं इस वीडियो में ये बताना चाहता हूं, ऐसा इसमें मैंने किया, तो आप प्लीज वीडियो को देखिए और प्लीज हमें सपोर्ट करिएगा इस तरीके से। और अपने जैसे इंस्टाग्राम है, आपका ट्विटर है, उन सब पे अगर आप फॉलो कराना चाहते हो अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं, तो उस चीज को आप ध्यान में रखो और अपनी लिंक भी उस पर डालो। और जितने आपके ट्राइपॉड है, माइक है, जो सारी चीज है, उन चीज का भी बेहद ध्यान रखो और उनकी भी लिंक नीचे डाल के, और सबसे लास्ट में नीचे लिख दो थैंक्स फॉर वॉचिंग आर वीडियोस। दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनका ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा। दोस्तों, उसके बाद पांचवा नंबर आता है, पांचवी टिप है टैगलाइन। दोस्तों, टैगलाइन का क्या फायदा, जब भी आपकी कोई भी वीडियो है आप चाहते हो सजेशन बॉक्स में आए, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ होता है टैगलाइन का। दोस्तों, अगर मैं अपनी अगर एनालिस्टिक खोलूं, तो मेरा सबसे ज्यादा जो व्यू वीडियो जो वीडियो पे जो व्यू होता है, वीडियो देखी जाती है, वो सारी देखी जाती है किस चीज के बेसिस पे, सजेस्टेड वीडियोस पे। तो गाइस, आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है, और ध्यान जब आप इन सब चीजों का रखोगे तो पक्का आपका चैनल ग्रो करेगा और वायरल भी वीडियो होगी। मेरे साथ भी दोस्तों ऐसा ही हुआ था। और दोस्तों, याद रखना, चाहे वो डिस्क्रिप्शन हो, टाइटल हो, या फिर टैगलाइन हो, किसी और की चीज कोई भी मत डालना। अगर आप डालोगे तो हो सकता है आपके चैनल पे स्ट्राइक आ जाए, और फिर मुझसे मत कहना कि सर आपने ऐसा क्या बता दिया जिसकी वजह से ये सब हमें फेस करना पड़ रहा है। तो प्लीज दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज का, जो आपकी वीडियो हो उससे रिलेटेड ही सारी चीजें, डिस्क्रिप्शन हो, चाहे टाइटल हो, चाहे टैगलाइन हो, उसमें डालें। और टैगलाइन का तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपकी कोई भी मतलब अलग तरीके से आपकी वीडियो को सर्च करना चाहता है यूट्यूब पे, तो आपकी वीडियो ऊपर आ जाएगी। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाना, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना गाइस। थैंक यू सो मच, एंड कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी।